अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यासीन और आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ आई यासीन। तो आज की जो वीडियो है वो है मेरा गांव, मेरा देश, मेरी पहचान, जहां से मैं खुद हूं। ये मेरा गांव है जिसका नाम है महादेवपुरी कोटड़ी, मांडवी तालुके के अंदर आता है, कच्छ के अंदर, गुजरात के अंदर ये है। यहाँ पर अभी जो मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है पुरानी स्कूल है और ये इतनी पुरानी है कि यहाँ पर मेरे जो पापा हैं, ठीक है, जो मेरे डैड हैं, वो यहाँ पर पढ़ा करते थे। फर्स्ट और सेकंड आई थिंक उन्होंने यहाँ पर स्टडी की है। उसके बाद में जो है मेरे दादा जो है मुंबई चले गए थे, फिर उन्होंने वहाँ पर उनकी स्कूलिंग वगैरह जो है स्टडी वहाँ पर स्टार्ट की। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि आज भी जो है ये स्कूल जो है किस हालत में मौजूद है। हालांकि हालत बहुत खस्ता है क्योंकि इसके बाद इसकी मरम्मत नहीं हुई है, बट हाँ, गांव में एक नई स्कूल बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये पुरानी जो स्कूल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो के शुरुआत में जो स्टार्ट था वो जो सीढ़ियाँ जो मैंने चढ़ी वो गाँव के स्कूल की थी। ये देखिए, तकरीबन 50 साल के ऊपर हो चुके हैं इसको। ये अंदर कुछ इस तरह का है, आज तो पूरा डिजिटल हो चुका है लेकिन ये इस तरह का बोर्ड है। हालांकि गांव में इसके बाद जो है स्कूल जो है नई बना दी गई थी और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टार्ट मैंने इसके लिए किया है क्योंकि आज की डेट में तीन चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरत है, हेल्थ, स्टडी और एम्प्लॉयमेंट। ये तीन चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आप कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। हर गांव की, हर शहर की अपनी अपनी कहानियां हैं और अपनी अपनी सच्चाइयां हैं। और जब कुछ ऐसे लोगों से, पुराने लोगों से मिलते हैं तब जाकर हमें ये सच्चाइयां पता चलती हैं, तब जाकर हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी। ये मेरा गांव है और मेरे गांव का नाम जो है महादेवपुरी कोटड़ी है। तो ये गाँव का नाम पढ़ने के पीछे की जो कहानी कुछ इस कदर है कि ये जो मंदिर है कोटेश्वर मंदिर है, और कहानी कुछ इस तरह है कि पहले के ज़माने में जो है गायें, भैंसें, बकरियां जो थी वो चरने के लिए जाती थी, रेवड़ जो थे, तो एक गाय जो है यहाँ पर आती थी और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लिंग है वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है उसका दूध जो है पूरा, मेरे अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ तो वो पूरी गाय जो है दूध से लथपथ होती थी, लेकिन यहाँ से जब जाती थी तो खाली हो जाती थी। तो इसका जो मालिक था उसे शक हुआ कि इसका जो चरवाहा जो है, ठीक है, वो इसका जो दूध है पूरा का पूरा निकाल लेता और फिर घर पे जाके बेचता। तो एक दिन जो है सच्चाई जो है सामने आ गई। चरवाहा के पीछे और गाय के पीछे कुछ आदमी भेजे या फिर खुद आए, ऐसी रिवायत है। तो जब यहाँ पर आते देखा तो वो जो गाय जो है, जो अंदर जो लिंग है उसके ऊपर अपना दूध जो है ऑटोमेटिकली वो दे देती थी। तो पहले जो गांव का जो था हिस्सा था, गांव जो था वो यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर था। जब पूछने पर पता चला तो ये हादसे के बाद जो है सारे जो गांव का जो है नक्शा वो चेंज हो गया। वहाँ था वो गांव, लेकिन उसके बाद ये हादसा होने के बाद, ये घटना घटने के बाद में, ये होने के बाद में जो है
या जो पूरा जो गांव है वो इस मंदिर के इर्द गिर्द आ गया। और इस गांव का जो नाम है महादेवपुरी कोटड़ी पड़ गया। इस गांव को महादेवपुरी कोटड़ी के नाम से जानने का जो ये वाकया था वो आपके समक्ष मैंने रखा, आपकी तरफ मैंने रखा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव की इतिहास क्या है, उस गांव का आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो लोग यहां पर रहते हैं और आज भी इतने पुराने घर हैं। कई मौसम देखे होंगे इस पत्थरों ने, कई मौसम देखे होंगे इस पेड़ों ने, क्योंकि ये इसमें दर्शाता है कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब देखिए पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन 2001 26 जनवरी के भूकंप के बाद जो है कई चीज़ें बदली, लेकिन ये मंदिर वहीं का वहीं है और इसके अंदर आस्था रखने वाले आज भी ज़िंदा है और हमारे गांव में ये मंदिर है। बहुत अच्छी तरीके से इसको वेल मेंटेन करके रखा है, इसको रिनोवेट करते रहते हैं। ये जो दीवार जो है यहाँ से गिरी हुई थी, लेकिन आज इस दीवार की मरम्मत करके इसको अच्छे से बाउंड्री कर दिया है और चारों तरफ जो है पेड़ ही पेड़ और छांव ही छांव है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह और भी ऐसे मकामात हैं, मैं आपको दिखाते जाऊंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं कहां से हूं, मेरी पहचान क्या है। आपको पूरे कच्छ और गुजरात में कहीं भी नहीं मिलेगी। ये है हमारे गांव का गांधी जी का मंदिर। भूकंप ने जो है गांधी जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, जर्जरित कर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों की आस्था इनके प्रति वैसी की वैसी और बरकरार रही।